काले गुलाब जामुन ना सबके फेवरेट होते हैं, तो आज यम्मी से दिखने वाले काले गुलाब जामुन बन रहे हैं हमारी किचन में, जिसके लिए हमने एक कप लिया है पानी, इसको कर रहे हैं गरम। जी हाँ, मैं बना रही हूँ चाशनी। एक कप लिया है चीनी का, इसको करेंगे बॉईल। इधर डो लगाएंगे, बिल्कुल ट्विस्ट है, ट्रेडिशनल वे कोई नहीं है। जो ब्रेड का सेंटर वाला वाइट पार्ट होता है ना, वो ले लीजिए और चूरा बना लीजिए। तो साथ में ले लीजिए मिल्क पाउडर, ये मैंने ब्राउन ब्रेड ले रखी है, आप कोई सी भी ब्रेड ले सकते हो, आटा ब्रेड, मैदा ब्रेड, कोई भी ब्रेड ले सकते हो। मैदा ब्रेड से वो थोड़े से रेड से कलर में बनेंगे, मतलब इतने ज़्यादा ब्लैक नहीं बनेंगे। ये मैंने आटे वाली ब्रेड ली है और मिल्क पाउडर डाल के मलाई वाले दूध से हल्का हल्का डाल के 2 से 3 चम्मच डाल लिए हैं मैंने अभी तक। तो अच्छा सा स्मूथ सा डो लगा लेंगे और एक साइड पे रख देंगे। बहुत मुश्किल नहीं है, क्विक सा अगर कुछ भी डिज़र्ट खाने का हो रहा है मन, तो बढ़िया सी इंडियन डिज़र्ट बनाएंगे। ये हो गया डो तैयार, थोड़ी देर सेट होने को रख देंगे। इधर चाशनी उबल रही है, इलायची डाली, थोड़े से केसर के स्प्रिंग्स डाले। ये देखिए गोला बनाया, उसमें किशमिश रखेंगे और बस रोल कर देंगे। उधर मैंने फ्राइंग पैन में रख दिया है घी या तेल होने के लिए गरम, आप कुछ भी रख सकते हैं, बस फ्रेगनेंस वाला नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए हम सारे गोले बना के रख लेंगे। ये मैंने रख लिया है पैन में घी गरम होने, और इसको रखेंगे नॉर्मल सी आंच पे, इसको करेंगे फ्राई ताकि अंदर तक डीप फ्राई हो जाए। वैसे देखिए थोड़ा सा मैंने ऑयल कम ले लिया, ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लीजिए ताकि ये डिप हो जाए उसमें अच्छे से और गोल बॉल्स अच्छी सी बन जाएँ। बस इसको अच्छे से तल लेंगे ब्राउन होने तक, बिल्कुल डार्क ब्राउन कर लेंगे इसको। ये देखिए पहले मैं हिला नहीं रही हूँ ताकि ये नीचे चिपके नहीं, वैसे ये चिपक नहीं रहे हैं, बहुत ही आराम से बन जाते हैं और क्विक से बन जाते हैं। कोई इसमें हमने मावा नहीं डालना है, कोई कुछ भी छेना नहीं डाला है, आम सा बस बनाया है। तो ये देखिए ऐसे ही हल्का हल्का सा घी तेल डाल के थोड़े थोड़े करिए फ्राई, ब्राउन होने शुरू हो गए आप देख सकते हो। तो इसी तरह से दूसरी साइड पलट लेंगे, तो ये पूरे डार्क से ब्राउन कर लेने हैं। तो बस उधर चाशनी तैयार है, चाशनी में कलर की तो ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डाल सकते हैं जो कि मिठाई जैसा बिल्कुल टेस्ट देता है। तो ये देखिए जो ठंडी वाली डिज़र्ट्स होती हैं उसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा रोज़ एसेंस, और ये इसमें केवड़ा एसेंस बड़ा ही वॉर्म सा फीलिंग देता है। तो बस ये गुलाब जामुन जो मैंने चाशनी में डाल दिए, 2 मिनट रखेंगे इसको चलती चाशनी में, और फिर इसको 2 घंटे के लिए सोख होने के लिए रख देंगे। बहुत ही मज़ेदार से गुलाब जामुन, इसको पिस्ता, बादाम, काजू, किसी भी चीज़ से सजाइए। और अगर आपको मेरी रेसिपी लगे अच्छी तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, एंड सब्सक्राइब तो बनता है भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।